आप यहीं गांव के रहते हैं? हैं? आप गांव में रहते हैं? हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बाघ घूम रहा है ना आजकल, अकेले ऐसे मत जाओ और लोगों के साथ जाओ, है ना? बाकी अभी मैं उस लोकेशन में हूँ और ये देखिए ये पग मग दिख गया जो कि टाइगर की है। जगह तो थोड़ी ऐसी है कि लोग पैदल वैदल निकलते हैं, थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। मैं तो 4 बजे निकलता हूँ सुबह यहाँ से। हाँ करेक्ट 12 बजे। अच्छा तब आपको दिख गया होगा कई बार। एक गुलदार देखा मैंने यहाँ बड़ा भयंकर बिल्कुल बैठा था रोड साइड में ही, पूरी फोटो खींच देखी उसकी। आप यार भाई साहब कैसा रिस्क है यार, ये कैसा रिस्क है भाई। अभी ये लोकल लोग है यार, इनको पता है भाई कल भैंस पे अटैक करा है, लेकिन ऐसे लकड़े लेने आए बताओ यार। ये एकदम ना सीरियस इशू है, मतलब सही में, मतलब यहाँ पे परसों की बात है अटैक हुआ है और रेगुलर ये चीज़ अपडेट भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी यार मतलब ऐसे आके यहाँ पे लकड़ी बिनना, मतलब ये तो एकदम सीरियसनेस वाली जगह है, मतलब बहुत ही खतरनाक जगह है। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ टी जोन में। तो अभी मैं जिस लोकेशन में आया हूँ वो एकदम शहर के पास भी है और आवाजाही से भरी हुई है और पर्यटक लोग और टूरिस्ट लोग अक्सर आते भी हैं और यहाँ से पैदल मूवमेंट भी करते हैं। तो ये है रानीबाग का एरिया। तो ये अभी मॉर्निंग के बज रखे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट सुबह हुई है और देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा है और मैं इस लोकेशन में आया हूँ फिर से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कल एक ब्लॉग डाला था मैंने जिसपे ये बताया था कि जो भैंसों पे अटैक हुआ था, हालांकि वो कल मुझे कंफर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने टाइगर है लेपर्ड है ये चीज़ कंफर्मेशन के साथ नहीं बोली थी, लेकिन अभी जस्ट ये कंफर्मेशन के साथ बोलना पड़ रहा है क्योंकि कल रात को क्या है ना, अपना एक छोटा भाई है शुभम जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी है नेचुरलिस्ट में भी है, तो वो रात को इस लोकेशन में था तो उसने टाइगर को क्रॉस होते हुए देख लिया, तो उसने अपनी आंखों से देखा और उसने रात को बताया भी मुझे, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया था मैं उस टाइम में आ तो नहीं पाया, लेकिन उसकी ओर से बोला गया था कंफर्म, तभी मैं अभी आपको बोल पा रहा हूँ कि वो टाइगर था। और हालांकि उसके अकॉर्डिंग उसका साइज छोटा था, फुल ग्रो टाइगर नहीं था, तो मे बी ये रीज़न रहा कि भैंस के पाँव पे उसने अटैक किया, अगर फुल मेल टाइगर होता तो वो पाँव में ना करके वो गला पकड़ता है, टाइगर की आदत है कि वो अपने शिकार का गला पकड़ता है, और भले ही वो टाइगर गाय या भैंस या फिर कोई भी जानवर हो उसके पीछे पड़ा हो, लेकिन वो उसको पीछे से नहीं मारता है, वो उसका पीछे से जाके सीधे गला झपटता है, और इस केस में उसने पाँव पे अटैक किया था तो पाँव पे निशान थे। तो देखते हैं अभी क्या रहता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, एक्टिविटी का टाइम है। एक और चीज बताई गई थी जो कि स्कूटी पे भी लड़की पे अटैक हुआ था, तो वो भी कहीं अगर वो कब होगा तो उसने अटैक करने की कोशिश की होगी, हालांकि उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ।
कहीं ना कहीं फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मैं जैसे बता रहा था कि आपको काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो कब है तो फिर तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी उसकी अलार्मिंग सिचुएशन है, साथ में वो ऐसा फिर से कर सकता है किसी भी झपटने एंड ऑल। और कब है तो उसकी माँ भी उसके साथ हो सकती है। मतलब सावधानी बरतनी है, पर लोगों को तो ये चीज का आइडिया नहीं रहता। खैर, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया चल रहा है, क्योंकि उसने भैंस पर अटैक करा और स्कूटी पे भी अटैक कर दिया था ऑलमोस्ट। पैदल चल रहे हैं या फिर जो अकेले हैं उनके लिए थोड़ा सोचनी है। स्कूटी भी साथ में लेके झुंड बना के जा रहा है। और देखिए मतलब वो आवाज करते हुए जा रहा हूं। और ये वाला एरिया मेन है,
जी अब हो गया उजाला और अब चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़िया बोलते हुए सुनने को मिलेगी अच्छी अच्छी और देखिए बाकी अभी मोर हो गया और जंगल फॉल हो गया, ये सारे भी एक्टिव हो जाते हैं अगर टाइगर वगैरह की मूवमेंट होगी तो। ये लोग भी, ये जानवर भी अलर्ट कॉल देते हैं, ये सारी बर्ड्स अलर्ट कॉल देते हैं। अभी परसों की बात है, इसके अंदर बकरी चरा रहे थे और काफी अंदर तक गए थे। हालांकि अब सिचुएशन कुछ अलग है। आगे जंगली मुर्गी भी आ गई है, काफी ज्यादा रोड क्रॉस कर रहे हैं। बर्ड्स में आपको हल्के हल्के अप्रोच करना है, अगर ज्यादा तेज जाएंगे उसकी तरफ भाग जाते हैं। बर्ड वॉचिंग तो अपने आप में बहुत पेशेंस का गेम है। और काफी टाइम लगता है, कई घंटे देने पड़ते हैं कई चीज, मतलब एक अच्छे शॉट के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, एक अच्छे फोटोग्राफ्स को। तो मुझे भी एक ऐसी बर्ड है, उसका एक बहुत अच्छा शॉट लेने के लिए मुझे भी 3 महीने लगे थे। तो फोटोग्राफी में ये रहता ही है, वाइल्ड लाइफ की खासकर। तो एक बार अभी शुभम भी आ जाएगा, और जो मैं बता रहा था कि जिसने कल रात को साइट किया था, तो उससे भी एक बार कंफर्मेशन ले लेंगे। और जो ट्राई करेंगे जहाँ पे उसने क्रॉसिंग देखी थी वहाँ पे अगर पगमार्क वगैरह दिखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो यार यहाँ पे अभी मैगपाई बर्ड आई है, लॉन्ग टर्म मैगपाई है, उसके अलावा भी ग्रीन मैगपाई भी दिखी थी मुझे। और वहाँ पे क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश है, वाइट फेस होते हैं, फोटोग्राफ्स लेते कुछ। तो यार बाकी अभी मैं उस लोकेशन में हूँ, और ये देखिए ये पगमार्क दिख रहे हैं जो कि टाइगर की है। तो ये तो अभी फ्रेश ही दिख रहा है, मतलब कि कुछ टाइम पहले ही क्रॉसिंग हुई है, तो वहाँ से वैसे वो लोग पैदल भी आ रहे थे, उनको भी एक बार बता दिया। तो ये देखिए मतलब साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, और यहाँ के रास्ते अंदर गया। देखो मतलब कि अभी जो पगमार्क दिखे ना वो बाएं साइड जाते हुए हैं, और जो शुभम ने देखे थे रात को वो उसने दाएं साइड जाते हुए हैं। तो अभी मैंने वैसे उसको बोला आने को, शुभम जैसे ही आएगा तो फिर हमें पता चल पाएगा उसके मूवमेंट के बारे में, और देखते हैं मतलब कि साइज से तो देखिए मतलब कि वो टाइगर ही है पगमार्क से अब, लेकिन ये है कि देखते हैं।
और इन्वेस्टिगेट करते हैं इसमें, और बाकी जो लोकल लोग हैं उनको भी थोड़ा अवेयर करने का काम करेंगे आज। तो वैसे भैया बता रहे कि इन्होंने भी देखा हुआ है टाइगर यहाँ पे है। किसने? आपने? हाँ, मैंने दो तीन दफा देख दिया टाइगर है तुम्हारे। अच्छा, अंदर टाइगर ही था वो, टाइगर धारी वाला, धारियों वाला। अब ये है कि जो भैंस पे अटैक करे लेकिन वो उसका बच्चा होगा। हाँ। क्योंकि अगर बड़ा होता तो गले पे वार करता, गले पे वार करता और छोड़ता नहीं टाइगर ना। बच्चे भी हैं इसके साथ में, मतलब जगह तो थोड़ी ऐसी है कि लोग पैदल वैदल निकलते, थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। मैं तो 4 बजे निकलता हूँ सुबह यहाँ से। हाँ, करेक्ट 12 बजे। अच्छा, तब आपको दिख गया होगा। एक गुलदार देखा मैंने यहाँ, बड़ा भयंकर बिल्कुल। अच्छा। बैठा था रोड साइड में ही, पूरी फोटो खींच देखी उसकी आपने? हाँ, जब मैंने फिर गाड़ी की रेस दी तो आवाज बढ़ाई। अच्छा, फोटो भी खींच दी, रुक के खींच के बढ़िया ढंग से, तब जाके उठाओ। अच्छा, गुलदार मादिन है वो आपका तो, लेकिन सिस्टम भी पूरा लेके चल रहे हैं। गाड़ी रोक भी नहीं सकते, उतर भी नहीं सकते, क्यों? तो अभी बिष्ट जी के वहीं आए, तो बिष्ट जी ने हमें कल बताया तो था, वो स्कूटी वाले पे भी झपटा था, है बिष्ट जी? तो टाइगर ही रहा होगा वो, टाइगर ये कल रात भी सुनाई में आ रहा, देखा है या टाइगर का बच्चा रात को? हाँ, वो अभी आ रहा है, सुबह हमने देखा है, उससे पूछते हैं फिर थोड़ा। टाइगर ही हूं। तो यार अभी आ गया शुभम, तो शुभम ने रात को साइटिंग कर लिया है टाइगर की। टाइगर तो कंफर्म था वो, टाइगर ही। अभी तो पगमार्क भी देख ही लिया, खैर हमने अभी चलते हैं उसी लोकेशन में चलते हैं। तो ये जाने का भी उसका रास्ता मिल गया हमें। और शुभम आते हुए तो तुमने देखा ही था, मतलब उस टाइम यहाँ से आके इधर को गया, मतलब ये जी खलीज फिजेंट। अरे अंकल, बच्चे को क्यों उतारा है? पंचर हो गई। अच्छा अच्छा, अरे यहाँ भाग की भी मूवमेंट है ना, अभी निकाले हैं ना, गाड़ी आने के बाद निकाले हैं बच्चे। चलो ठीक है, वाली गाड़ी पंचर। अच्छा, आ गई गाड़ी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। डियर की अलार्म कॉल, इस एरिया में लोग पार्टी करने के लिए भी आते थे। तो यार अभी टाइम तो हो गया मुझे 4 घंटे, काफी देर हो गई है, तो देखते हैं थोड़ा और इंतजार।
तो यार सीन ही है ना, मतलब यहाँ वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया और अभी सामने एक गांव है वहाँ से चिल्लाने की तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और बीच पर फायरिंग की भी आवाज़ आई थी। तो शायद ऐसा ना हो कि बाघ वहाँ पहुँच गया हो और वहाँ जाके एक बार पता करते हैं उसको भगाने के लिए, क्या पता हवा में फायरिंग करी हो या पोटासगंज जो गांव वालों के पास होती है वो हो सकती है। भाई साहब अकेले चल रहे हैं, थोड़ा इनको भी वार्न कर देते हैं। अरे नमस्कार, आप यहीं गांव के रहते हैं? आप गांव में रहते हैं? हाँ हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बाघ घूम रहा है ना आजकल, अकेले ऐसे मत जाओ और लोगों के साथ जाओ, है ना? छोड़ दूँ? आओ बैठो बैठो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, बैठ जाओ बैठो। लो खोलो। कहाँ पे जाओगे हैं? रहते हो हैं? कहाँ रहते हो आप? गांव कौन सा हुआ? गांव कहाँ है? गांव भुजेघाट से पैदल आ रहे हो? यहाँ टाइगर दिख रहा है, बाघ। थोड़ा ऐसे ना अब सावधानी बरतना दादाजी। चलो आप ज्यादा टाइम ध्यान रखते हुए जाना। अब एक बार फिर हम जाएंगे, उससे पहले पेट्रोल बदल लेते हैं। तो जी अब एक बार हम जाएंगे उस विलेज की तरफ जो रिवर के उस पार है और वहां से ट्राई करते हैं, अगर रिवर की तरफ तक एंगल बनेगा तो मे बी चांसेस है। तो जी ये इस साइड की रिवर है और कहीं ना कहीं मैं उस साइड था और इस पोर्शन के बीच में हो सकता है टाइगर। यहाँ पे टाइगर है भैया, यहाँ लकड़ी वकड़ी मतलब यहीं से गया है अभी कुछ टाइम पहले, और कल भैंसे भी यहीं पे वो करी थी अटैक। अच्छा अभी आपकी गाड़ी थी यहाँ पे? आपको तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, थोड़ा वहाँ बाहर की तरफ से कर लो ना, यहाँ कभी भी आ सकता है, टाइगर है। अच्छा, अच्छा। गुलदार भी नहीं, टाइगर है। वो तो बहुत खतरनाक हुआ यार। भाई साहब कैसा रिस्क है यार, ये कैसा रिस्क है भाई। अभी ये लोकल लोग है यार, इनको पता है भाई कल भैंस पे अटैक करा है, लेकिन ऐसे लकड़ी लेने आए, बताओ इनको। मैंने अपने एंड से तो समझा दिया भाई, लेकिन कब तक कौन कौन समझाएगा यार, क्या कर पाएंगे बताओ। दो लोग अलग अलग लकड़ी बिन रहे थे होटल के लिए। इसी जगह पे अटैक हुआ था भाई, इसी जगह पे, और वो टाइगर था, टाइगर का था आज कंफर्म हो गया। अभी पगमार्क भी दिखाए थे मैंने, आज ही के पगमार्क थे वो यार। ये एकदम ना सीरियस इशू है, मतलब सही में, मतलब यहाँ पे परसों की बात है अटैक हुआ है और रेगुलर ये चीज़ अपडेट भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी यार मतलब ऐसे आके यहाँ पे लकड़ी बिनना, मतलब ये तो एकदम सीरियस नेस वाली जगह है, मतलब बहुत ही खतरनाक जगह है। अभी पगमार्क हमने जाते हुए देखा था, आज ही की वीडियो की बात है, आज ही ये शूट हो रही है सारी चीज़ें, और अभी यहाँ लोग ऐसे चल रहे हैं और दिन में भी, मतलब मैं तो हर टाइम नहीं रहूँगा, और मतलब वही है कि फिर सारी जिम्मेदारी टाइगर पे आ जाती है कि भैया बाघ ही बिगड़ा है, बाघ ही मैं नहीं ठहरा। लेकिन यार अगर ऐसे उसके एरिया में
जब वो किसी को देखेगा, इवन मतलब परसों के अटैक में उसको उसका शिकार भी मतलब उससे तब तक लोग बाग आ गए थे जो उसने अटैक करा था, तो वो तो बच गई थी, लेकिन अगर लोग ऐसे जाएंगे तो भाई लोग क्या बच पाएंगे आप खुद बताइए। सीन यही है कि मतलब सावधानी नहीं बरत रहे हैं लोग, और आपको दिखाया मैंने तो जी। बाकी करते हैं आज के ब्लॉग को क्लोज और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी किसी और नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।